नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। एनएम की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने लगाया प्रबंधन पर आरोप। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में तब कोहराम मच गया जब एक एनएम की तैयारी कर रही छात्रा को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एनएम की तैयारी कर रही छात्रा साक्षी कहलगांव में रहकर पढ़ाई करती थी, उसे अचानक उल्टी और दस्त होने लगी। धीरे धीरे उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गई। यह देखकर कहलगांव में रह रही छात्राओं ने हॉस्टल के इंचार्ज से यह बात बताई। तभी सबों ने मिलकर आनंद फानन में साक्षी को मायागंज अस्पताल लाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृत छात्रा साक्षी की मां अंजू देवी ने बताया कि मेरी बेटी रात में खाना खाई और उसे खाने में जब वह रोटी खाई तभी से उसे उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया। मेरी बेटी को साजिश के तहत मारा गया है, हमें इंसाफ चाहिए। साथ ही अंजू देवी ने यह भी बताया कि मेरी बेटी ने फोन करके कहा, मैं जब से रात का रोटी खाई हूँ तब से मेरी तबीयत खराब हो गई है। वहीं साक्षी की मां अंजू देवी ने रोटी में जहर देकर मार डालने की भी बात कह रही है। वहीं सबको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेती है। तो मैडम फिर फोन किया कि यहाँ से ना ट्रांसफर कर दिया है, जो आप यहाँ आ जाइए मायागंज। मायागंज आए तो यहाँ चिट्ठा कटाने के यहीं तक हमारा ठंडा हो गया। ऊपर डॉक्टर साहब बोले इसका धड़कने बंद हो गया, इनमें इसका ट्रांसफी होगा, पोस्टमार्टम होगा। और यहाँ पे मेरी बेटी 7:15 फोन की थी, क्या बोले? बोली कि मेरा तबीयत उल्टी पखाना हो रहा है मम्मी, हमको रात में जो रोटी खिलाए ना उसमें जहर लगता है, उसी खाएं तो उल्टी पखाना होने लगा। हमारा उल्टी पखाना हो रहा, बार बार उल्टी पानी पी रहे हैं, जोन मन जोन पानी पी रहे हैं, खूब पानी प्यास लग रहा है, उल्टी कर रहे हैं। बोले जाकर दवाई ले ले बेटी, हम तुरंत गाड़ी पकड़ी का जा रहे हो। हाँ बोले कि बोली रोटी में जैसे सबका पूरा पूरा रोटी था, मगर हमारे रोटी में अलग सा था सिस्टम। कहे किस लो, कहे कि कटलुआ रोटी छे जरा सा, वही रोटी हम खेलिए, हमारी तबियत खराब हो गई।